दोस्तों आने वाले दिनों में कोरोना हम सब लोगों के लिए मुसीबत पैदा नहीं करें, इसके लिए हम सब लोगों को अलर्ट रहने की जरूरत है। और इसको लेकर देश के प्रधानमंत्री ने भी देश के स्वास्थ्य अधिकारियों और मंत्रियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं, और जिसके चलते राजस्थान सरकार ने भी प्रदेश के समस्त CMHO को दिशा निर्देश दिए हैं कि कोरोना को लेकर सब लोग अलर्ट मोड पर रहें और कोरोना से जुड़ी सारी तैयारियां शुरू कर दें। हालांकि हमारे देश में अभी तक कोरोना को लेकर कोई ऐसी खबर नहीं है जिससे हम सब लोग परेशान हो, लेकिन इस कोरोना को लेकर हम सब लोगों को सावधानी बरतने की आवश्यकता है और कोरोना आने से पहले ही हम सब लोगों को अलर्ट रहना होगा। यह खबर दिखाकर हम आप लोगों को डराना नहीं चाहते हैं। जिस तरीके से चीन में कोरोना कोहराम मचाए हुए हैं, उसके बाद से विश्व के तमाम देश अलर्ट मोड पर हैं, जिसके चलते अपने देश में भी कोरोना की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। अगर बात पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जिले की करें तो बाड़मेर के जिला कलेक्टर लोकबंधु ने कल ही जिले के समस्त स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारियों के साथ बैठक कर कोरोना को लेकर तैयारियों के आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। बाड़मेर के अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुरेंद्र पुरोहित ने बताया कि हमने ऑक्सीजन सिलेंडर दवाइयों की उपलब्धता को लेकर तमाम जो आवश्यक दिशा निर्देश हैं वो जारी कर दिए हैं। साथ ही हर OPD में सैंपलिंग बढ़ाई जाए, रैंडम सैंपलिंग की जाए, इसके अलावा अलग अलग जगहों पर सैंपलिंग की तैयारियां कर रहे हैं। फिलहाल अगर बाड़मेर की बात करें तो बाड़मेर के जिला अस्पताल और बालोतरा में कोरोना के सैंपल लिए जा रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में इसको लेकर हर जगह सैंपल लेते हुए भी आपको नजर आएंगे। जिस तरीके से कोरोना ने चीन और देश विश्व के कई अन्य देशों में लगातार केस बढ़ रहे हैं, और चीन के हालात हम सब लोग जानते हैं कि कोरोना को लेकर चीन के क्या हालात हुए हैं, इसको देखते हुए हम सब लोगों को भी अलर्ट रहने की जरूरत है। बाड़मेर के CMHO डॉक्टर चंद्रशेखर गजराज ने बताया है कि कोरोना को लेकर हमने तैयारियां पूरी कर दी हैं, तमाम प्रकार की जो दवाइयां हैं, ऑक्सीजन है, इसके अलावा कोरोना से जुड़ी समस्त जो मेडिकल उपकरण हैं वो हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि उनकी पहले तैयारी की जाए, ताकि अगर कोरोना जैसे हालात अपने देश में बनते हैं तो हम सब लोग मिलकर कोरोना से जंग लड़ सकें। मेरी तमाम दर्शकों से अपील है कि जिस तरीके से कोरोना को लेकर कई सारी खबरें सामने आ रही हैं, ऐसे में हम सब लोग कोरोना को लेकर पहले से ही अलर्ट रहें। कल जिला कलेक्टर महोदय द्वारा सरकार के 4 वर्ष पूरे होने के संबंध में प्रभारी मंत्री जी द्वारा जो यहाँ पे प्रदर्शनी और साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस और जिला दर्शन पुस्तिका का विमोचन किया गया जाएगा, उसके संबंध में कल DLOs की मीटिंग ली गई थी। उसमें चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग को विशेष रूप से जिला कलेक्टर महोदय ने निर्देश दिए हैं कि अपने यहाँ पे जो भी पूर्व में कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार जो अपन ने तैयारियाँ की थी उनको एक बार वापस सारा रिव्यू कर लें, जहाँ भी अपने ऑक्सीजन प्लांट्स वगैरह लगे हुए हैं उनको एक बार वापस देख लें सबको। इसके अलावा अपने पास में मेडिसिन की क्या स्थिति है, अपने स्टॉक में क्या है, वो सारा चेक करवा लें, और कोविड प्रोटोकॉल का अगर अभी तक कोई गाइडलाइन अभी तक प्राप्त नहीं हुई है, जैसे ही गाइडलाइन प्राप्त होगी उसी के अनुसार जिला प्रशासन जो है उसको तत्काल लागू करवाने के लिए प्रतिबद्ध है, और इसमें जो भी हमारे पास में संसाधन है जो पूर्व में थे और अभी भी चल रहे हैं उसके अंदर जैसे टीकाकरण है, इसके अलावा जो भी टेस्टिंग का है वो सब हम पूरी चाक चौबंद करवाने का प्रयास कर रहे हैं। सर आमजन से क्या अपील है कोरोना को? आमजन से ये कोविड प्रोटोकॉल की जो पूर्व में हमने जो भी पालना कर रहे थे वही वापस पालना करें, 2 गज की दूरी, मास्क लगाना और इसके साथ में हाथ मिलाना वगैरह से थोड़ा परहेज करना, इस तरह के जो भी पहले प्रोटोकॉल थे उनका पालन वापस करना चाहिए। कोरोना को लेकर किस तरह की तैयारी है और निदेशालय से किस तरह के निर्देश मिले? निदेशालय से निर्देश मिले हैं, घर घर स्क्रीनिंग करनी है, OPD में स्क्रीनिंग करनी है, कोई पॉजिटिव केस आ जाए उसको जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए भेजना है, ऑक्सीजन प्लांट्स को सभी को मॉनिटर करके तैयार रखना है, जरूरत पड़े तो 16 ऑक्सीजन प्लांट हैं उनको। सर बाड़मेर में चिकित्सा किस तरह से अलर्ट है, किस तरह से तैयारियाँ की जा रही है? पूरी तैयारियाँ, हमारे पास ऑक्सीजन की पूरी सुविधा है और स्टाफ फुल है, स्क्रीनिंग शुरू कर दी गई, आज से कल आदेश प्राप्त हुए थे, OPD में स्क्रीनिंग हो रही है और सैंपलिंग बढ़ाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। सर ऑक्सीजन प्लांट है, उनकी मॉनिटरिंग किस तरह से की जा रही है? उनको चला के देखते हैं, टेस्ट करते हैं, प्योरिटी कितनी आती है, कितनी ऑक्सीजन बढ़ाती है, वो टेस्ट करते हैं, महीने में एक बार टेस्ट कर लेते हैं।
सैंपलिंग फिलहाल तो बाड़मेर जिला अस्पताल और बालोतरा ही हो रही थी, पर अब फील्ड में भी करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। सर वैक्सीनेशन को लेकर भी बूस्टर डोज का क्या किस्सा? वैक्सीनेशन का डाटा निकाल लिया है, जो ड्यू है उनका सेकेंड डोज और बूस्टर डोज का, और सभी फील्ड में अधिकारियों को आदेशित कर दिया है, वैक्सीन जोधपुर से मंगवाने के लिए गाड़ी भेज दी गई है। सर आमजन से क्या अपील करेंगे? आमजन से अपील यही है, सर्दी जुकाम हो तो टेस्ट करवाएं, मास्क लगा कर रखें, थोड़े सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें।